कि रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। अर्णब गोस्वामी, यू रन अ बनाना रिपब्लिक चैनल, डिलिबरेटली क्रिएटेड अ मीडिया ट्रायल फॉर व्हाटएवर योर एंड्स आर। जिन लोगों ने इंसाफ दिलाने की कसम खा ली थी, अब वो सारे लोग क्या करेंगे। इस घटना ने मीडिया को सुपारी गैंग में बदल दिया है। कुछ समय पहले हमने मीडिया को एक ही मुद्दे को खींचते देखा, जो कि था सुशांत सिंह राजपूत का केस। इस केस में सबसे बड़ा नाम थी रिया चक्रवर्ती। 7 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अब तो एम्स की रिपोर्ट साफ बता रही है कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड था। सीबीआई की रिपोर्ट भी एम्स की रिपोर्ट से मिलती है। ऐसे में जो देश के जनता ने कोरोना, बेरोजगारी, चाइना, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को छोड़ एक ही मुद्दे को मीडिया द्वारा उठाते देखा था, तो वे क्या था। घंटों डिबेट इस मुद्दे पर चली कि रिया ने सुशांत को कैसे मारा और कौन कौन इसमें शामिल था। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। आखिरकार रिया गिरफ्तार। हालांकि गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हुई है। सुशांत की हत्या का इससे कोई लेना देना नहीं है, मौत का कोई लेना देना नहीं। ये प्यार करने की नहीं, ये ड्रग्स मुहैया करने, प्रोक्योर करने, भाई बहन ड्रग्स लाते थे। इसमें बॉलीवुड के 25 लोगों के नाम शामिल है। इस ड्रग्स मंडली का सरगना यानी बॉस कौन है? बॉलीवुड में ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? क्या सुशांत की मौत की कड़ी की मौत की कड़ी दिशा से जुड़ेगी? क्या उम्मीद रखे इस विसरा रिपोर्ट से? क्या तस्वीर साफ होगी? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स से ताल्लुक रखने वाली बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी? ये बेबी अबाबा पेंगुइन को बचाने के लिए रोहन राय को भगाया गया। मैं तो हर दिन आके और मटेरियल दूंगा। आपको याद होगा जब रिया गिरफ्तार हुई थी तो मीडिया ने उन्हें किस तरह घेर रखा था। वैसे तो सभी चैनल इसमें शामिल थे सुशांत को इंसाफ दिलाने के मामले में, लेकिन रिया को गलत साबित करने में सबसे आगे रहे रिपब्लिक चैनल, और उस चैनल में रिया की गिरफ्तारी की खुशी साफ दिख रही थी। वह गिरफ्तारी सुशांत केस में नहीं बल्कि ड्रग केस में हुई थी, पर खुशी साफ देखने को मिली थी। अगर कल इस समय रिया की गिरफ्तारी हो जाए तो पूरे भारत में दिवाली बन जाएगी। दोस्तों, ब्रेकिंग खबर आ रही है कि कल रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट ऑलमोस्ट तय है दोस्तों, और रिपब्लिक भारत में खबर आ चुकी है कि कल उनकी अरेस्ट होने वाली है। तो अभी क्या हो रहा है वहां पे, प्रदीप भंडारी खबर अंदर जा चुकी है और उनको मैसेज मिल चुका है, तो बाहर जब आएंगे तो आपको देखकर तो वो भागने वाली है। बिल्कुल, मिठाइयां बटेंगी, आप तो वहां पे फॉलो कर रहे हैं, लोग तो आपके भी पूछते रहोगे। दोस्तों, प्रदीप भंडारी लाइव रही है, फुल फ्रेम हम प्रदीप भंडारी को दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये लाइव बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां अभी अभी हमें खबर मिली है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पक्की है। इसके अलावा मीडिया द्वारा सुशांत केस पर हो रही कवरेज को लेकर कई सवाल तो खड़े होने ही लगे थे। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एम्स की रिपोर्ट के बाद रिपब्लिक चैनल की आलोचना भी की। Has targeted me during my Rhea Chakraborty interview and more. But today I am going to say it. Arnab Goswami, you run a banana republic channel. You run a channel that has deliberately created a media trial for whatever your ends are. But do not bring journalism down to the level that you have. This is the only advice I will give you. This is not what journalism is about. You want me to name and shame? I will name and shame today. Because I have kept quiet for 2.5 months and listened to the crap that you have put out on air with only one purpose that you had, to try and get rating points. There's something more important than TRPs, my friend. It's called television respect point. इसके अलावा Zee News के वरिष्ठ पत्रकार सुध चौधरी ने भी रिया पर हुई कवरेज को लेकर सवाल खड़े किए। अब बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को तो जमानत मिल गई, अब इसके बाद इस पूरे मामले में क्या होगा? और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 4 महीनों में हमारे देश के न्यूज चैनल्स ने इसके अलावा आपको और कुछ दिखाया नहीं, इसलिए पूरे देश को ये लगा कि ये सबसे बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर 2020 की कोई और हो नहीं सकती। और हमारे देश का जो मीडिया है उसे भी यही लगा कि ये 2020 की सबसे बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से भी बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत। तो अब बड़ी बात यह है कि 4 महीने से आपको जो कुछ बताया जा रहा है
जो ट्रेंड आप लगातार देख रहे हैं, जिन लोगों ने इंसाफ दिलाने की कसम खा ली थी, अब वो सारे लोग क्या करेंगे। इन सारी खबरों में एक समानता है, और वो समानता है टीआरपी की रेस। मीडिया के एक वर्ग ने इन सभी मामलों में अपने एजेंडे की मिलावट करके एक खास पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, और अपने हिसाब से उन्होंने एक कहानी पहले से ही बुन ली। ऐसा कुछ तबलीगी जमात के साथ भी मीडिया में हुआ था। तबलीगी जमात पर मीडिया क्या कुछ नहीं बोला। कोर्ट ने अपने आदेश में मीडिया को फटकार भी लगाई। क्या तब मीडिया ने माफी मांगी, और क्या अब रिया के मुद्दे पर मीडिया माफी मांगेगा? हम आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। वह ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं है। उसने कथित रूप से अपने खरीदे हुए मादक पदार्थ को धन या किसी अन्य लाभ के लिए किसी और को नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिया या सुशांत सिंह राजपूत के आवासों से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। कोर्ट ने रिया को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। रिया चक्रवर्ती को अगले 10 दिन तक रोजाना मुंबई पुलिस के पास पहुंचकर हाजिरी देनी होगी। रिया चक्रवर्ती को 1,00,000 रुपए का जमानत बॉन्ड देना होगा। रिया चक्रवर्ती कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकी। वहीं एनसीबी की यही कोशिश जारी थी कि रिया को जमानत ना मिले। खैर, अब जेल से बाहर आ चुकी है रिया। ये मामला शुरू तो सुशांत सिंह से हुआ था, और धीरे धीरे ड्रग्स तक आ पहुंचा। रिया की जमानत पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने मीडिया ट्रायल को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। करीब 1 महीने तक वो लड़की जेल में रही, आज वो बेल पर बाहर आई है। और जब वो आई है तो इस शख्स को बेचैनी होगी, परेशानी होगी, क्योंकि यह शख्स खुद को जज, जूरी, जांच एजेंसी और जेम्स बॉन्ड से लेकर जासूस करमचंद से भी बड़ा जासूस समझता है। इस शख्स के कई रिपोर्टर्स बीते 3.5 महीने से दिन रात यही एजेंडा चला रहे थे कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुशांत का कातिल ठहराया जाए। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, एम्स की रिपोर्ट पिछले हफ्ते सार्वजनिक हुई। उस रिपोर्ट में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने, जिसका गठन केंद्र की तरफ से किया गया, जिसका गठन सीबीआई की मदद के लिए किया गया। इसके अलावा रवीश ने भी अपने शो में रिया के टॉपिक पर बात की और मीडिया पर सवाल खड़े किए। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी क्या इसलिए की गई ताकि न्यूज चैनलों को तमाशा बनाने का मौका मिले? गोदी मीडिया ने जो खेल खेला है वो रिया चक्रवर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। इस घटना ने मीडिया को सुपारी गैंग में बदल दिया है। सोचिए, कई हफ्तों से झूठी खबरों के साथ बहस चलाई गई, कई हफ्तों घंटों खबर नहीं थी तो एंकर कूदने लगा, चिल्लाने लगा, जैसे उस पर प्रेत आ गया। जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा उसे सुनील सिंह की रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन रिया के साथ या रिया के बहाने जो हुआ उसे भी देखिए। चैनलों को लगाकर किसी भी नागरिक को घेरा जा सकता है, अब उसे बदनाम किया जा सकता है और जेल तक भिजवाया जा सकता है। उम्मीद है एक दर्शक के रूप में लोग प्रायश्चित करेंगे, सोचेंगे कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के नाम पर किस तरह की पत्रकारिता को दिन रात समर्थन दिया। देश में ऐसे मुद्दे अक्सर मीडिया को मिल जाते हैं जिसके बाद आम जनता का ध्यान भटकाना आसान हो जाता है, और बाद में हम इन मुद्दों में ही व्यस्त हो जाते हैं और असल मुद्दे तो गायब ही कर दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।